जी आपको बताना चाहेंगे, मध्य प्रदेश की सियासत की जो हवाएं हैं वो इस एक बार फिर तेज हो चली हैं। जिस तरह से लगातार राजधानी भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता पिछले दो दिनों से देखने को मिल रही है, उसके बाद कयासों के जो है बाजार वो गर्म हो गए हैं। कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर एमपी में एक्टिव होंगे कैलाश विजयवर्गीय, ये हम नहीं कह रहे बल्कि राजधानी भोपाल के तमाम सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कल ही बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विजयवर्गीय ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा से मुलाकात की, दोनों ही राजनेताओं के बीच में लंबी बातचीत हुई, चाय पर चर्चा हुई और आज यानी कि दूसरे दिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर पहुंचे बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। जाहिर सी बात है जब इन राजनेताओं का मिलन होता है, एक ही पार्टी में होते हैं, एक ही धरे से एक ही विचारधारा से जुड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक चर्चाएं होना भी तेज है। जिस तरह से राजधानी भोपाल में लगातार कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता दिखाई दे रही है, उससे कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बाद अब एक बार फिर एमपी में एक्टिव नजर आएंगे कैलाश विजयवर्गीय। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया के कैमरों के सामने इस बात से इनकार जरूर कर दिया, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से विजयवर्गीय लगातार राजधानी में सक्रिय देखे जा रहे हैं, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैलाश विजयवर्गीय सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में सक्रिय भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजनेताओं से उनकी लंबी बातें हो रही हैं, तमाम नेताओं, मंत्रियों, विधायकों से भी उनकी चर्चा हुई है, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में जब जब कैलाश विजयवर्गीय अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, सियासी तौर पर सक्रियता दिखाते हैं, तो कयास लगाए जाना भी लाजमी है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से तकरीबन 40 मिनट तक उनकी ये मुलाकात चली है, क्या चर्चाएं हुई हैं, इस पर से जो है फिलहाल पर्दा नहीं उठ पाया। लेकिन खुद विजयवर्गीय ने इस बात को कहा है कि चूंकि राजनीतिक मित्र हैं तो राजनीति की चर्चाएं तो होना जाहिर सी बात है, लाजमी भी है। बहरहाल देखना हुई कल विष्णुदत्त शर्मा यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बंद कमरे में पार्टी कार्यालय में हुई मुलाकात, और आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से उनकी बंद कमरे में हुई मुलाकात। क्या आने वाले दिनों में एमपी में फिर एक्टिव नजर आएंगे कैलाश विजयवर्गीय, इस सीन पर से पर्दा उठा पाए, ये बड़ी खबर फिलहाल राजधानी भोपाल से मिल रही है।